बीजिंग अंडरपास ट्रैफिक हादसे की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जबकि बीजिंग अंडरपास पर लोहे से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गया। ट्रैफिक पुलिस क्रेन की मदद से हैवी रॉड्स को हटाने में मसरूफ है, जबकि जल्द ही बीजिंग अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। सीटीओ सैयद हमाद की जानिब से बताया जा रहा है, बीजिंग अंडरपास ट्रैफिक हादसे की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। डिटेल्स लेंगे फाहद भट्टी से। जी फाहद भट्टी, बताएगा इस वक्त रोड की क्या सूरत हाल है, कब तक क्लियर करवा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, केनाल रोड बीजिंग अंडरपास पर ये जो है ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें तेज जो लोहे से भरी हुई ट्रैक्टर ट्राली है वो उलट गई, जिसकी वजह से बीजिंग अंडरपास को ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस मौका पर मौजूद है, जो हैवी क्रेन की मदद से लोहे के भारी दार जो वहां पर गिरे हुए हैं जो ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर मौजूद थे, उनको जो है वो हटाने की कोशिश की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया ये जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द तमाम लोहे के जो भारी रॉड हैं और जो ट्रैक्टर ट्राली उलट दी है उसको जल्द से जल्द हटाकर जो है वो ट्रैफिक के लिए बीजिंग अंडरपास को खोल दिया जाए, मगर अभी तक जो है वो बीजिंग अंडरपास को नहीं खोला गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो कुछ तरह का शिकार है केनाल रोड पर, क्योंकि बीजिंग अंडरपास काफी अंडरपास बनाया गया है। केनाल रोड काफी मसरूफ शाहरा है शहर की, जहाँ पर जो है वो बीजिंग अंडरपास को बंद करने की वजह से ट्रैफिक जो तरवी का शिकार है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोशिशें की जा रही है भारी मशीनरी की मदद से, हैवी क्रेन की मदद से, के लोहे के भारी गार्ड को और ट्रैफिक ट्राली को जल्द बीजिंग अंडरपास से हटा कर उसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। फाहद भट्टी ये बताएगा, जब तक बीजिंग अंडरपास क्लियर नहीं होगा तो मलेका सड़कों पर भी ट्रैफिक जाम के मसाल सामने आ रहे हैं। सवाल इससे, क्या ट्रैफिक वार्डन तैनात किए गए हैं, डायवर्जन लगाई जा रही है? जी बिल्कुल, ट्रैफिक वार्डन जो है वो इजाफी तैनात किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की इजाफी डब्ली तैनात की गई है। केनाल रोड बीजिंग अंडरपास के कुछ फासला पहले जो है वो अंडरपास पर तो ट्रैफिक नहीं जाने दी जा रही, मगर उसको डायवर्जन लगाकर ट्रैफिक को मुतबादल रास्ता फराहम किया जा रहा है। शहरी अपना सफर जो है वो जारी रख सकते हैं, मगर बीजिंग अंडरपास के जरिए से सफर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जो ट्रैक्टर ट्राली उल्टी है, भारी लोहे के रॉड गिरे हुए हैं, उनको हटाने के लिए जो है वो वहां पर कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस वहां पर मौजूद है, जिनकी जिनकी जानिब से जो है वो बताया जा रहा है कि हैवी क्रेन की मदद से लोहे के रॉड को जो है वो रास्ते से हटाया जा रहा है। जब तक लोहे के रॉड और जो उल्टी हुई ट्रैक्टर ट्राली है उसे नहीं हटाया जाता, तब तक जो है वो उनको डायवर्जन लगाकर शहरियों को, मुसाफिरों को जो है वो मुतबादल रास्ता प्रदान किया जा रहा है। तो शहरी मुतबादल रास्ता अपनाते हुए अपना सफर जो है वो जारी रख सकते हैं, मगर ट्रैफिक का रश जरूर है, ट्रैफिक उस तरह का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा फहद, ये भी बताइएगा कि हादसा जो है ये ओवर स्पीडिंग के बायस पेश आया या ओवर लोडिंग के बायस पेश आया? जाहिर यूँ लग रहा है, जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी बताया जा रहा है कि ये हादसा ओवरलोडिंग की वजह से पेश आया है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी इतने भारी भरकम जो लोहे के रॉड रखे होते हैं तो उसमें ओवर स्पीडिंग नहीं हो सकती। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है कि ये ओवरलोडिंग की वजह से ही हादसा पेश आया है। तो सवेरे के हादसा पेश आया बीजिंग अंडरपास पर, जहाँ पर जो है वो ट्रैक्टर ट्राली जिसके ऊपर लोहे के भारी भरकम रॉड रखे हुए थे वो उलटने के बाद जो है वो ट्रैफिक को जो है वो बंद कर दिया गया बीजिंग अंडरपास से गुजरने के लिए। अभी ट्रैफिक पुलिस मौका पर मौजूद है, ट्रैफिक वार्डन मौका पर मौजूद है, जो हैवी क्रेन की मदद से उन भारी भरकम लोहे के रॉड को जो है वो रास्ते से हटा रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो लोहे के रॉड जो वहां पर मौजूद है बीजिंग अंडरपास पर, उनको जल्द से जल्द हटाकर बीजिंग अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद भट्टी, आपका आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बीजिंग अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा बहुत जल्द। बीजिंग अंडरपास पर लोहे से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गया, ट्रैफिक पुलिस क्रेन की मदद से हैवी रॉड्स को हटाने में मसरूफ़ अमल हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि जल्द ही बीजिंग अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा।